दोस्तों, आपने हेनरी फोर्ड और थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। दोनों ही अपने समय के महान आविष्कारक थे। जहां हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर्स बनाई, वहीं एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। पर क्या आप जानते हैं कि ये दोनों ग्रेट इन्वेंटर्स होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड्स भी थे? हेनरी फोर्ड एडिसन को अपना आइडियल मानते थे और उन्हीं से प्रभावित होकर फोर्ड ने अपनी पहली फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल बनाई थी, जिसमें गैस का इंजन था। जब फोर्ड ने एडिसन को अपने इस आविष्कार के बारे में बताया, तो एडिसन उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फोर्ड से कहा, नौजवान, यह हुई ना बात, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी कार कंप्लीट है और उसमें अपना पावर प्लांट भी है। उसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। उन्होंने साथ मिलकर बहुत सी चीज़ों पर काम किया। फिर जब 1931 में एडिसन अपनी उम्र से हार कर बिस्तर पर आ गए, तो फोर्ड ने एडिसन के बेटे चार्ल्स से एक अजीब सी रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा कि चार्ल्स, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिता की आखिरी सांस को एक टेस्ट ट्यूब में कैद करके मुझे दो। दोनों की दोस्ती देखते हुए चार्ल्स ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पिता के बिस्तर के पास 8 टेस्ट ट्यूब लगाए और जब उनके पिता ने आखिरी सांस ली, तब उन्होंने उन टेस्ट ट्यूब को पैराफिन वैक्स से सील कर दिया और उसमें से एक टेस्ट ट्यूब हेनरी फोर्ड को दे दिया, जो आज भी हेनरी फोर्ड म्यूजियम मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स में रखा हुआ है। और हेनरी फोर्ड की अपने आइडियल थॉमस एडिसन के प्रति रिस्पेक्ट और उनकी अटूट दोस्ती को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।